सीतापुर के थाना खैराबाद में पुलिस और स्वात टीम ने वांछित अभियुक्त आरिफ को चार घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और चार जिंदा कारतूस बरामद किए। पौड़ी में नए बस स्टेशन के पास दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। एक साथ सात दुकानों के ताले तोड़े, 60,000 नकदी और 40,000 रुपए तक के सामान पर हाथ साफ किया। व्यापारियों ने थाने में दी तहरीर। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाकर बाहर निकाला और बीती देर रात घर से किसी काम से निकला था युवक। पलिया चांदपुर गांव का ये मामला। फरुखाबाद के हाजियापुर गांव में दो पक्षों में गोलीबारी हुई, फायरिंग में एक की मौत हुई है। तीन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र। रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। प्रयागराज में दो युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मेडिकल कॉलेज कैंपस में संविदा कर्मचारी का मिला है शव। युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। भूरपुर तालाब के किनारे मिला ज्ञात युवक का शव। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में दो ट्रकों में लगी भयंकर आग। दोनों ट्रक आग में जलकर हुए खाक। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के जहानीखेड़ा का मामला। सोनभद्र में कार और बाइक में हुई आमने सामने टक्कर, बाइक सवार दंपत्ति की हुई मौत। पति पत्नी सहित दो मासूम बच्चों की भी मौत। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात मकान की छत गिरने से घर में सो रही 3 साल की मासूम की मौत हो गई। जर्जर हालत में था लगभग 50 साल पुराना मकान। धमाके की आवाज सुनकर गांव में हड़कंप। मामले की जांच में जुटे प्रशासनिक अधिकारी। सहारनपुर में कोतवाली मिर्जापुर में जीप अनियंत्रित होकर गांव पांडली के खाई में जा गिरी, जहां थाना प्रभारी के चोटिल होने की खबर है। जीप को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। बड़ा हादसा होने से टला। आगरा में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। बस पलटने से करीब 24 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। लखनऊ में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। कार के उड़े पर खच्चे, नशे में धुत होकर कार चला रहा था युवक। पक्के पुल टीले वाली मस्जिद के पास का है ये मामला। पीलीभीत के माधो टांडा इलाके में बेकाबू कार ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में दो लोगों की मौत हुई। घर से सब्जी खरीदने मंडी जा रहे थे टेम्पो सवार युवक। हादसे में घायल लोग जिला अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में बीच बाजार खड़ी स्विफ्ट कार बनी आग का गोला। आग लगने से बाजार में मचा हड़कंप। दुकानदारों ने आग पर पाया काबू। सूचना के बाद नहीं पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम। शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख से की मुलाकात। मोहन भागवत से करीब 40 मिनट हुई बातचीत। भागवत को 25 मार्च को शपथ ग्रहण में आने का दिया न्योता।